देखो पहला तो सब नू जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुहाडे वास्ते शिवसेना राष्ट्रीय है, भगवा सेना, लेकिन मेरे वास्ते तो भगवा सेना ही कली। मैं तो भगवे कट्ठे किए आ, भगवान के कोल में आया। मैं तो उन्होंने हूँ भी कह रहा कि तुम भगवा कपड़े पाए ने, भगवा सेना बन गए, तो समाज का अच्छे तरीके, वधिया तरीके, हिंदू समाज का सनातन धर्म का काम करो, ताकि समाज को पता लग सके कि भगवा सेना भी समाज के बच्चे हैगी है, जो समाज का अच्छा काम कर रही है अच्छे तरीके। देखो हिंदू वक्रे वक्रे ग्रुपा जो बंडे ने, तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, उहो ही असी मार खा रहे हैं। हिंदू वैसे जातियां च भी वंडिया गया, हिंदू जात पात च वंडिया गया, हिंदू ऐसा पार्टियां च वंडिया गया। इन्हां नूं एक मुठ करन वास्ते बड़ा जोर जबरदस्त चल रहा है, लेकिन कुछ हिंदुओं के जय चंद हैगे ने, कुछ यहोजे जय चंद लीडर ने जिन्हां ने अपनियां पार्टियां सिर्फ दुकानदारी वास्ते खोलियां होईयां। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि यहो जे लफ्ज कहांगे ते उह कमीज चुक के ढिड अपना नंगा करन वाली गल हुंदी है, लेकिन वो कुछ जय चंद ने जो कि ये पार्टियां नूं सारे हिंदुओं नूं एक मुठ एक जगह ते इकट्ठा नहीं होण दिंदे पे। जिदन वो जय चंद एक साइड ते हो जाणगे, मेरे ख्याल च बड़ा अच्छा सिस्टम हो जाएगा हिंदुओं का, और हिंदुओं जिन्नी ताकत किसी को शायद ही होवे। जे हिंदू इकट्ठे हो गए तो फिर एक यहोजा नेर च खड़ा आएगा कि बाकी कोई नज़र भी नहीं आए, यह भी नाल गरंटी है। हिंदू तख्त तो मेरे ख्याल च पटियाले तो बनाया सीगा, स्वामी पंचानंद गिरी जी ने उन्होंने बनाया सीगा, वो उधर ही चल रहा है। एक अमृतसर च हिंदू महागठ बनाया, महागठबंधन बनाया सीगा, जिन्हों वो जयचंदा ने तोड़ता या मरोड़ता या जो भी तुसी कह सकते हो, मैं कहूँ अपने मूँह चो गलत लफ्ज कड़ा, लेकिन चीज हैगी है। अज जे ये भगवा दल बनया तो मेरे ख्याल च बड़ी अच्छी गल है, भगवा दल साढ़े नाल चलेगा, साढ़ा पुत्र है, साढ़ा छोटा भरा है दवेसर, अपनी जान है, मैं नाल हाँ, मेरा आशीर्वाद नाल है, इन्हें असं चल रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी आप एक टेबल के उपर सारे हिंदुओं को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिदन हो गए तो फिर तुम दस मैं नेर झखड़ी आएगा तो दूजा कोई लभेगा नहीं। आएगी तुहाडे भरावां दा प्यार मिलेगा, तुहाडे प्रेस दा प्यार मिलेगा, तो जरूर ताकत पैदा होएगी। ताकत की कोई कमी थोड़ी है, सिर्फ ताकत वंडी हुई है। जिस एक उंगली की ताकत वक्री है, वक्री है, तो कट्ठिया कर दे तो की बन गया, तो सुन बज गया तो दंद बार। ताकत ताकत ही है ना, ताकत एक कट्ठी ही करनी आप जी वंडी गई है, कुछ स्टेजा से खब्बे सज्जी हो गई है, कट्ठी कर रहे हैं, और उम्मीद हैगी है कि आप तुहाडे सहयोग के नाल जरूर सफल होवांगे। जिहड़ी इत्थे प्रेस आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे साथी इत्थे बैठे ने, असी शिवसेना बाल ठाकरे पार्टी सात साल काम किया, तो अज असी उस पार्टी तो रिजाइन दे के एक नवा संगठन तैयार किया, शिवसेना राष्ट्रीय भगवा, जिहड़ी भगवा सेना के नाते चलेगी। उहदे विच विंग तैयार ने, वक्खो वक्ख लोगों अहुदे दिते गए आ मुंडियां नूं, जिहड़े उहदे विच तीन चार विंग चलणगे, जिहदे विच सब तो पहला विंग आ जिहड़ा गऊ सेना दल, जिहदे राष्ट्रीय प्रधान असी डॉक्टर मेहरा जी घोषित किया, रोहन मेहरा जी ये जिदा गऊ सेवा करते हैं, साडा मेन मकसद ही गऊ सेवा है। तो साढ़े डॉक्टर साहब गऊ सेवा दल के प्रधान राष्ट्रीय प्रधान नियुक्त किया गया, एक असी राष्ट्रीय का अहुदा दिता वा बी एस साहिल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सिर्फ दो अहुदे दिए गए ने राष्ट्र के पंजाब दे विच। नैक्सट असी पंजाब बॉडी भी तैयार की आ, जिहदे विच यूथ विंग के प्रधान हरीश कुमार जी लाया वा, उन्होंने थले उन्हों का विंग तैयार आ, ठीक है जी। एक साडी जिहड़ी महिला शक्ति आ, उन्होंने असी दुर्गा सेना इहदे विच कहा गया है, दुर्गा सेना के प्रधान की नियुक्तियां वह अगले हफ्ते रखियां वा, क्योंकि अज असी इन्ना ही कर सकते हैं, क्योंकि सानू टाइम घट मिलिया, समा घट मिलिया, तो साडा मेन मकसद गऊ सेवा है। सर देखो जदों कोई हिंदू नीति तो नहीं चलेगा, देखो सासल ही इतने काम किया, ठीक है, आपां पूरे विश्वास के नाल किया, असीं ये नहीं कहने भी शिवसेना बाल ठाकरे माड़ी आ, शिवसेना बाल ठाकरे बाला साहब ठाकरे का संगठन आ, हमेशा साढ़े दिल च रहेंगे बाला साहब ठाकरे, असी साडा संगठन भी उन्होंने नीतियां चलेगा, पर जिहड़ी अज शिवसेना बाल ठाकरे पंजाब चलती पई आ, उन्होंने नीतियां चलती नहीं। तुसीं कित्थे वेख्या उन्होंने गऊ सेवा करते,
कितने वेख्या क्योंकि शिवसेना बाल ठाकरे इतने चार तो ग्रुप चलते पे आ असी इन्ह ग्रुपों की लड़ाई चो उठ के अं सोचा भी अं अपना ही कर लिए जरा झगड़े तो वधिया वा भी असी अपना करनी तो सेवा है। देखो राजनीति तो साड़ी हैगी नहीं है, करनी तो आप सेवा है तो सेवा इन जरा वधिया भी अं अपना एक ग्रुप बना के देखो समाज के वह बंदे बैठे आ डॉक्टर रोहन जी बैठे आ बाकी भी इतने मुंडे बैठे साढ़े ये सारे समाज का काम करते हैं, ये चेहरे ने समाज का एन जी ओ चला रहे डॉक्टर साहब होर भी मेरे बंदे जिहड़े आ समाज सेवा करते हैं अपने अतुल जी अगे बाबा जी वो भी अपना काम करते हैं। अज अं एक गठजोड़ कर लिया भी आप जो बुराई ना लड़ना ही है तो इकट्ठे होकर लड़िए ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म से लड़िए।